आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माचे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने राजनीति में एंट्री कर ली है। लोकसभा चुनाव में वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से सांसद बन गए हैं। यूसुफ पठान का बहरामपुर सीट पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से मुकाबला था। उनकी ये जीत ऐतिहासिक है क्योंकि बीते 25 सालों से पहली बार कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सीट पर चुनाव हारे हैं। बता दें कि क्रिकेटर पहले भी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। इनमें गौतम गंभीर, नवजोत सिंह सिद्धू, मोहम्मद अजहरुद्दीन, कीर्ति आजाद, चेतन चौहान जैसे लोग शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में 2007 में शामिल हुए यूसुफ पठान ने 2021 में सभी तरह की क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। गुजरात के रहने वाले यूसुफ पठान कई सालों तक इंडियन प्रीमियर लीग में शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा रहे और खूब नाम कमाया। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले वो टीएमसी में शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें अधीर रंजन चौधरी के सामने चुनावी मैदान में उतारा था। इस लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने उन्हें चुनौतीपूर्ण टास्क दिया था। उन्हें ऐसी सीट पर चुनावी मैदान में उतारा गया जहां आज तक एक बार भी टीएमसी जीत नहीं पाई थी। ऊपर से अधीर रंजन चौधरी बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। इस सीट पर 25 सालों से उनका दबदबा था। जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो उन पर भारी होने का भी आरोप लगाया गया, लेकिन यूसुफ लगातार चुनावी प्रचार में जुटे रहे और मेहनत करते रहे। 41 साल के यूसुफ पठान पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। यूसुफ पठान को भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। आईपीएल के पहले ही सीजन में यूसुफ पठान ने न सिर्फ 37 गेंदों में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक जड़ दिया था, बल्कि 4 सीजन तक उनके इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सका था।